स्वागत है। आज की लेसन में हम एम एस एक्सेल कर रहे हैं। एम एस एक्सेल में कुछ ऑप्शन आने वाले थे जो होम ऑप्शन पे हैं, उसके आगे आज करेंगे। मोटिवेशन की आग से सोए हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सोने का ढोंग कर रहा हो उसको कैसे जगाए। उठो प्यारे उठो और अपनी जिंदगी में कुछ करो। ए पर्सन स्लीपिंग इन फायर can be awakened, but how can a person who is pretending to sleep awaken him? Wake up, love, get up, and do something in your life. Students, इसके आगे का जो लेसन है उसको हम करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे राइट करता हूँ, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी रामबन। इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि आप अभी तक यहां तक आए थे कि आप किस तरह से करते हो, अपने फॉन्ट को बड़ा करते हो या छोटा करते हो, तो आप इसको प्रेस करोगे तो इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करके देखता हूँ, जब इसको सेलेक्ट करके करोगे तो ये बड़ा भी किया जा सकता है इसके द्वारा, जितना भी बड़ा करना होगा। इसमें आप कंट्रोल और ब्रैकेट के साइन से बड़ा नहीं कर सकते, ध्यान रखना थोड़ा, ये एमएस वर्ड नहीं है, ये एमएस एक्सेल है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट को बड़ा किया जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट बड़ा भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, लेकिन आपको लग रहा है यार इसमें जो लाइंस हैं वो लाइन क्यों होंगी, या मुझे मर्ज करना है कोई भी डॉक्यूमेंट, मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको लेना है, यहाँ से यहाँ तक। आपको क्या करना होगा, आपको मर्ज ऑप्शन पे जाना होगा एंड सेंटर। मर्ज ऑप्शन से क्या होता है, जॉइंस द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन लार्जर सेल। बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स को जोड़ के, छोटे सेल्स को जोड़ के एक सेल बना दिया जाता है, एंड सेंटर द कंटेंट इन ए न्यू सेल। दिस इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट लेबल्स दैट स्पैन। आप अगर इसको देखें तो इसको यूज करने के लिए आपको मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करके लेना पड़ता है। मैंने मल्टीपल कॉलम्स लिए हैं, जैसे मैं मर्ज को क्लिक करूंगा तो मेरा जिस सेल का मर्ज हो गया। अगर आप उसको हाईलाइटेड मोड पे देखना चाहते हो तो मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये बॉर्डर कर दिया मैंने, इससे मर्ज हो गया सेल। अब मर्ज होने के बाद इसमें डिफरेंट तरह की कोई डिटेल बनानी है। फॉर एग्जांपल हमें लिखा सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट। अभी इसी तरह से आ रहा है नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब आपने इसको मैं अलग से कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो वाली डॉक्यूमेंट आपका एज इट इज रहे, आपको समझ भी आ जाए। कट करके 11th की सेल में ले लेता हूँ। इस सारे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ताकि आपको उस वाले डॉक्यूमेंट से कोई कंफ्यूजन ना हो, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा। स्टूडेंट नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको सीरियल नंबर स्मॉल चाहिए लेकिन ये बड़ा चाहिए। अब क्लास, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और रेजिडेंस एड्रेस, उसका एड्रेस भी लिख दिया। मोबाइल नंबर, ये सब चीजें लिखी हैं। जब हम स्टूडेंट का डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें आपको ये जो टेक्स्ट आपने लिखे हैं इन लाइंस को फिर से आप चाहो तो बॉर्डर दे दो,
ये तो बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर देने से इसका साइज भी थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं, ये साइज इनलार्ज कर दिया। आप चाहो तो ऊपर वाले को कलर भी दे दो, ताकि डिफरेंशिएट होता है, और इनको भी कलर देना चाहो तो इनको दूसरा कलर दे दो, ब्लू दे दिया। अब आपको ऑप्शंस का यूज करते समय डॉक्यूमेंट्स को जो भी कंटेंट है उसको कभी सेंटर करना है, कभी साइड वे करना है, लेफ्ट साइड पे, कभी राइट साइड पे, जिस तरह से भी आपको उसको सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। मैं एड्रेस का कॉलम थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूँ, मैंने सीरियल नंबर लिया 1 2। आपने कल देखा था हमने किस तरह से और सीरियल नंबर बनाए थे ड्रैग करके। अब ये इस तरह से दिख रहा है, मैंने सिलेक्शन में इसलिए रखा है। अब मुझे इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स ये वाले ऑप्शंस में अभी हमने खाली मर्ज देखा कि मर्ज को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। मर्ज के बाद आपके सेंटर है, लेफ्ट है, आप इसको देखेंगे इस वाले ऑप्शन पे, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये सारे के सारे एमएस वर्ड के ऑप्शन है, इनको वहां पे भी हम कर सकते हैं। ये इसको क्लिक करने से सारा डॉक आपका जो कंटेंट है लेफ्ट साइड चला गया, इससे सेंटर आ गया, इससे राइट साइड आ गया, ये आपका मिड में लाता है। ये सब जो विड्थ कॉलम ज्यादा हो तो उसको मैं टॉप पे और बॉटम पे लाने की काम आता है। अब यहाँ पे इसकी विड्थ इस्तेमाल है, तो जब आप इसकी विड्थ बढ़ाएंगे तो उस समय आपको दिखेगा। इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्शन करनी पड़ेगी पूरी, और यहाँ से आपको ये यहाँ से ड्रैग करना है। आपने कॉपी सारा किया था, आप देख रहे हैं इसका साइज भी बढ़ गया। अब ये 1 जो है अब थोड़ा सा अजीब दिख रहा है यार, बॉटम वाली साइड में मुझे सेंटर करनी है, तो सेंटर करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इन ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, ये टॉप जलाया था, ये बॉटम लाता है, और ये सेंटर ले आता है, और इसी तरह से सेम सेंटर। अब आपके जो सीरियल नंबर लिखे थे वो एग्जैक्टली बीच में है रो के, ना ही टॉप पे है, ना ही बॉटम पे है, ना ही लेफ्ट है, ना ही राइट है, सेंटर में है, जहां पे उसकी उसको अच्छे से देखा भी जा सकता है और देखने में भी सुंदर लग रहा है। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दो, बशारत अली, विकास कुमार, विनोद कुमार, सोनिया, काजोल, ब्रिजेश, मोहम्मद, आरिफ। इस तरह से हमने बहुत सारे नाम लिख दिए स्टूडेंट्स के। अब मुझे क्लास लिखनी है, क्लास 11th लिख लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लो, ड्रैग करोगे तो 11th का 12th बन जाएगा, ये 11th लिख दिया। अब आप इनके रोल नंबर लिख दिए, मान लो 200587, 871 लिख दिया। आगे सीरियल मान लो कंटिन्यू है, तो मैं सिर्फ इतना लिख लेता हूँ, 871 था, तो अगर आप 872 कर सकते हो इसको, तो इन दोनों को सिलेक्ट करके रखो तो 3 4 5 तक आ जाएगा। ये इसके रोल नंबर्स आ गए, मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया। डेट ऑफ बर्थ लिख लिया आपने, डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए 12/5/1999, 10/2/1997, 5/4/2004, 15/7/2003। इस तरह से आपने कोई डेट ऑफ बर्थ ले ली, इनकी इनकी डेट ऑफ बर्थ मान लो सेम है तो मैंने ले लिया, इसी को कॉपी कर लिया। इस तरह से इसका डेटा बना लिया। आप एड्रेस लिख रहे हो तो स्टूडेंट एक्सेल में हम काम कर रहे हैं, एक्सेल में, एमएस वर्ड में ये वर्क नहीं हो रहा है, ये एक्सेल में हो रहा है।
क्योंकि एक्सेल की टाइपिंग और एमएस वर्ड की टाइपिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, एड्रेस में आपको लिख देना है कि पर्सन का नाम है, पर्सन का एड्रेस है मान लो गांधी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट रामबन। अब स्टेट जी एंड के इसी में नीचे लिखना है स्टूडेंट्स, इस पे एंटर करके नहीं होता। अगर आप यहां तक लिख गए हो और आगे ही जाता जाएगा, इसमें दो ऑप्शन है, या तो टेक्स्ट को रैप करना पड़ेगा, मान लो मैं लिख रहा हूं यूटीएफ जे एंड के 18/21/48 भी लिख रहा हूं 182/144 एड्रेस लिख दिया। अब ये मोबाइल नंबर तक चला गया है, इसको ठीक करने के लिए एमएस वर्ड में होता तो आप उसको आराम से ले आ सकते थे। अब एंटर करोगे तो ये देखो एंटर कहाँ आ गया, एंटर नहीं होता। अब एंटर नहीं होता तो कैसे आपको दूसरी लाइन में लाना है, जिससे टेक्निकल आपके पास दो तरह के ऑप्शन है, एक तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे चले जाओ रैप टेक्स्ट कर दो। रैप टेक्स्ट से क्या हो गया, उसी पर्टिकुलर जितनी लेंथ जितनी ब्रेथ आपके कॉलम की थी उसी के बीच में रैप होके वापस आ गया, दैट मीन्स उसी में सिमट गया सारा डॉक्यूमेंट, अब उससे बाहर नहीं जा रहा है। अब आपने और कोई चीज लिखनी है इसमें, इसमें आपको ऐड करना है, तो स्टूडेंट्स ऐड करने के लिए इसके नीचे वाली लाइन में कैसे करना पड़ेगा, Alt प्लस एंटर, याद रखना ये कमांड नोट कर लेना, Alt कीबोर्ड से प्रेस करो और एंटर को Alt को प्रेस करके रखो और एंटर को प्रेस करो ताकि आप इसकी नेक्स्ट वाली लाइन में जा सकते हो। अगर आप ऐसे कभी भी नहीं जा सकते हो, जैसे ही एंटर मारोगे तो दूसरी लाइन में आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बच्चों को पता नहीं चलती है कि यार एमएस एक्सेल में काम करते समय एक दो कॉलम और बनाने हैं, एक ही कॉलम में लिख रहे हैं हम, दूसरे कॉलम पे नहीं जा रहे हैं, ये वन कॉलम है, तो आपको ऐड करना था कुछ और। मान लो मुझे क्या भूल गया था, वार्ड नंबर भूल गया था, वार्ड नंबर लिखो या तो आप लिख दो कि इसका साइन, प्लेस का साइन क्या है, लोकेशन रूरल है या अर्बन है, क्या है कोई एक लिखना हो तो मैं लिख लेता हूं रूरल। अब देखो लेकिन आपका ये कॉलम छुप रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, सिलेक्ट करके ड्रैग कर दो, अब आपका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट इसमें दिख रहा है। ये सब करने के लिए मैंने इतनी बड़ी फाइल बनाई है आपको समझाने के लिए, क्योंकि एमएस एक्सेल में काम इसी तरह से किया जाता है, आपको कोई भी एड्रेस राइट करना होगा, कोई भी चीजें लिखनी होगी। अब ये दूसरा अजीब सा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट कर दें, सेंटर कर दें, अब सेंटर हो गया। अब इसके साथ इसकी लोकेशन मिल रही है, कहीं ये डॉक्यूमेंट आपका अच्छा लग रहा है, कहीं इसको बिल्कुल बॉटम में रख दो, इसको ये सब टॉप में रहे तो भी अच्छे लगेंगे। अब मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने, ऐसे ही सारे का सारा डेटाबेस बनाया जाता है। अब आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो और सारों में पेस्ट करके रख दो, मान लो दो तीन लोगों के एड्रेस यही है और उनके सेम ही है, तो आप इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज बढ़ा दो और थोड़ा सा साइज बढ़ा दो, अब आपका इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन गया। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ये बॉर्डर दे दिया। अब आपको लग रहा है यार ये कॉलम रह गया, यहां से एक और रह गया, अब मुझे प्रिंट निकालना है तो ये सामने दिख रहा है कॉलम यार, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, मान लो इतना सा डिलीट हो गया, अगर मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, अब डिलीट तो मैंने कर दिया, चलो इस केस में ये डिलीट हो गया, लेकिन यहां से ये बॉर्डर नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है इसको राइट बॉर्डर देने का भी, क्लिक करो यहाँ पे चले जाओ, आपके पास राइट साइड थी, ढूंढो ये राइट साइड, कंप्लीट हो गया। अब आपकी जो आपका जो डॉक्यूमेंट है अच्छा लगने लगा है, प्रॉपर तरीके से किसी को डिस्प्ले कर सकते हो, उसको दिखा सकते हो, ऊपर से सेंटर लोकेशन है, इसकी हेडिंग थोड़ी और बढ़ानी है और बढ़ा दो,
स्टूडेंट आप समझ रहे हैं उसको, जिस तरह से हम एक्सेल में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये ऑप्शन हमने सारे के सारे देख लिए, आपको कहीं पे चाहिए यार मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट करूंगा, रोटेट टेक्स्ट टू अ डायगोनल एंगल और वर्टिकल ओरिएंटेशन, दिस इज ऑफन यूज्ड फॉर टेबलिंग नैरो कॉलम्स, ऐसे कॉलम्स जिनको नैरो टाइप का लिखना हो। क्लिक द करेंटली सिलेक्ट टेक्स्ट ओरिएंटेशन अगेन टू रीसेट द टेक्स्ट बैक टू द नॉर्मल ओरिएंटेशन। आपको फॉर एग्जाम्पल इसमें स्पेस बचानी है, बहुत ज्यादा कॉलम्स आपके हैं, ज्यादा कॉलम्स हैं और आपकी स्पेस कम है, तो आप क्या करो इसको टेक्स्ट को अलाइन कर दो, अलाइन मीन ओरिएंटेशन कर दो। ये आ गई ओरिएंटेशन, कौन सी चाहिए भाई, एंगल रोटेशन चाहिए, वर्टिकल चाहिए, टेक्स्ट रोटेट चाहिए, कैसा है, किस तरह से मैं रोटेट आपको लिख देता हूँ। आप देख रहे हैं डेटा वर्थ, लेकिन ये सारे कॉलम ऐसे ही करने पड़ेंगे। क्या हो गया, आपका कॉलम जो था उसकी स्पेस कम हो गई, दैट मींस अब आप इसको सिलेक्ट करके इसको इतना ला सकते हो, इतनी सी जगह पे सारा आ गया। पहले क्या हो रहा था, आप इसकी स्पेस बहुत ज्यादा ले, डेटा बर्थ हो, रोल नंबर हो, या कहीं कोई भी ऐसी चीजें हो जिनको लिखना हो, आप टेक्स्ट को अलाइन करके उसको ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, जिस तरह से भी डायगोनली करनी हो डायगोनली कर सकते हो। अगर आपको कोई थोड़ा डिजाइन बनाना है तो ऊपर वाले को डायगोनली कर दो, यहाँ पे डायगोनल भी होगा, ये डायगोनल। ये डायगोनल टाइप का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल अच्छा लगेगा, या तो सारे डायगोनल में हो तो फिर ठीक है, सभी लोगों को डायगोनल में ले लेते हैं, ये सारे डायगोनल आगे। अब आपके सारे डायगोनल दिख रहे हैं, तो ये अलग सा डिजाइन बन रहा है। अगर आपको चाहिए कहीं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें आपको चाहिए होता है इस तरह से, तो वहां पे आप इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे स्पेस ज्यादा ले रहा है हमारी, तो आई थिंक यहाँ पे डायगोनल ठीक नहीं है, यहाँ पे जो हमने दिया था सिंपल टेक्स्ट ही चाहिए वर्टिकल ही। आप जैसा भी कर सकते हो, हर किसी हर टाइप का यहाँ पे रहेगा, फॉर्मेट अलाइंड, सेल एंगल, रोटेट, वर्टिकल। यहाँ से आपके पास सेटिंग आ जाएगी इसकी, इस सेटिंग में आपके पास जनरल फॉर्म है, वर्टिकल इंटेंट है, या जस्टिफाई है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर है, टॉप है, जो भी चीजें आप लिखनी है उसी तरह से आप लिख सकते हो। फॉन्ट भी इसका बढ़ा सकते हो, बॉर्डर भी दे सकते हो, फिल कलर कर सकते हो, प्रोटेक्शन लगा सकते हो, लॉक लगा सकते हो, ये सब चीजें इसमें वैसे ही रहेंगी। इसको एज इट इज करना है, फिर से वापस सेक्शन पोर्शन आपका है, ये सारे के सारे रहेंगे, आप हर एक को यूज करके देख लो। अब मैंने इसको इस तरह से कर लिया, आप इसको रोटेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, रोटेशन के लिए लगाएगा एंगल कॉन्ट्रोवर्स एंड एंगल, यहाँ पे जाने के बाद ये आपके पास है। मैं इसको इस तरह से करता हूँ, वापस वही आ गया जहाँ पे था, जिस तरह से आपने लिया था वैसा ही हो गया। दैट मीन्स आपको कोई भी रोटेट करना हो, इसको डायगोनल पोजीशन में लाना हो, तो आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे जाना है, जिस ऑप्शन पे आप इसको रोटेट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो सारे का सारा। स्टूडेंट्स अभी एमएस एक्सेल में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनको आप करेंगे, क्योंकि इसमें जितना अच्छा काम करते जाओगे आप, तो आगे आप इसको समझ पाओगे। तब अगले नेक्स्ट लेसन में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।